लेकिन परिवार की सूझबूझ से वो बालिका बच गई। आप देखिए ऐसे मानसिकता के सोच के आदमी जो होते हैं वो हमारे उत्तराखंड की शांति व्यवस्था को भी भंग करते हैं और हमारे उत्तराखंड को नरक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देवभूमि है, देवभूमि ही रहनी चाहिए। यहाँ पर ज्यादा मानसिकताओं का कोई काम नहीं है। ऐसे लोगों को यह उत्तराखंड से बाहर कर देना चाहिए। साथियों, मेरी शासन प्रशासन और पुलिस प्रशासन से भी मांग है कि ऐसे असामाजिक तत्व जो कल वाली घटना में शामिल थे उनको शीघ्र पकड़ा जाए और शीघ्र कार्रवाई की जाए, अन्यथा आंदोलन उग्र करना पड़ेगा। स्थानीय लोग भी इसमें शामिल है, व्यापारी शामिल है, सभी संगठनों के लोग इसमें शामिल है। साथ ही हमने नगर पालिका में ज्ञापन दिया था जिसमें हमने कहा था प्रत्येक दुकान का चिन्हीकरण किया जाए, सबको अपनी दुकानों के बाहर नाम लिखवाए लिखाने चाहिए, जिसका दुकान में झटके का मास बिक रहा है दुकान के लिखा होना चाहिए झटका मटन शॉप, जिसके हलाल का बिक रहा है दुकान के बाहर लिखा होना चाहिए हलाल शॉप। हमारी संस्कृति को बचाना है तो हमें हर कदम उठाना पड़ेगा। हमने नगर पालिका से मांग की है अगर शीघ्र इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो हम नगर पालिका के खिलाफ भी आंदोलन करेंगे। और जो जितने भी यहाँ पर जयचंद मानसिकता के लोग हैं जो उनको अपने घरों में बना दिए हुए हैं, भगवान न करे कल के दिन उनकी नाबालिग बेटी को भगाया जाएगा तो उन पे क्या गुजरेगी। अभी उन्हें केवल पैसा दिख रहा है। अब आप ये सोचें अभी पैसा दिख रहा है कल के दिन सामने हो जाएगा भाग जाएंगे।